उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना पांडव नगर इलाके में बीती रात एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जहां एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। कार में बैठे 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह कार हरिद्वार से दिल्ली लौट रही थी, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। पीड़ित लोगों ने बताया कि यह कार उन्होंने किराए पर ली थी और ड्राइवर लापरवाही से कार चला रहा था। कई बार पीड़ित परिवार ने कार चालक को समझाया, लेकिन वह नहीं समझ पा रहा था और लापरवाही से कार चला रहा था। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, दिल्ली। हाँ, जो हम लोग सुने, ये लोग लौट रहे थे यहाँ पहुँचने के दरमियान। ये लोग जब जा रहे थे देहरादून, रास्ते में ड्राइवर का ड्राइविंग था। ये लोग बार बार उसको रिक्वेस्ट किए कि गाड़ी सही तरीके से चलाओ। वो चिड़चिड़ा स्वभाव का था, बात सुन नहीं रहा था, प्लस वो झपकी भी ले रहा था जब तब, जैसे लगता है कि कितने दिनों से सोया नहीं है, और गाड़ी काफ़ी तेज़ रफ्तार से चला रहा था। अंततः लौटते वक्त ये लोग अक्षरधाम रोड NH 24 के पास में जहाँ दुर्घटना घटी है, वहाँ पर उसने एक ट्रक में हिट कर दिया। हरिद्वार से छुट्टियाँ बना के लौट रहे थे, लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की। क्या अभी मनीष जी का क्या हाल है, कैसे क्या? मनीष जी तो रहे नहीं, वो तो उनकी स्पॉट डेथ हो गई थी एक्सीडेंट के बाद ही। उनके फैमिली में जो क्या है? एक तो उनके ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, जिनकी हालत अभी अच्छी नहीं है। बाकी एक बेटा है जो मल्टीपल इंजरी हुई है उसकी, तो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी वाइफ ठीक है अभी।